नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। प्रदेश में माफियाओं पर लगातार नकेल कसने की कवायद चल रही है। इसी के मद्देनजर गाजीपुर जिले के थाना करीमदीनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जब महेंद्र गांव के प्रधान प्रतिनिधि व मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य नन्हे खां को पुलिस ने उसके गाँव के बाहर दबोच लिया। इस पर 25,000 रुपये का पुलिस के द्वारा इनाम भी रखा गया था। इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि अपराधियों पर नकेल कसने की कवायद लगातार जारी है। इसी के क्रम में करीमुद्दीनपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाश बहुत दिनों से चल रही थी। गिरफ्तारी के बाद आज उसे कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नन्हे पर मगई नदी की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर मछली पालन करने व नदी पर अवैध पुल के निर्माण का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच अवैध पुल को ढहाने के साथ ही जमीन से कब्जे को भी हटवाया था। तभी से नन्हे का फरार चल रहा था और पुलिस को इसकी तलाश थी। बताया जा रहा है कि नन्हे को बीती रात पुलिस ने उसके गाँव के बाहर से ही गिरफ्तार किया है। जनपद गाजीपुर में जो आईएस गैंग है, मुख्तार अंसारी गैंग के काफ़ी करीबी नन्हे खां हैं, करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इन्होंने अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके और जो स्थानीय नदी थी उस पर स्वयं के पैसे से कब्जा करके मछली पालन के उद्देश्य से पुल बनाया था, जिसको स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने ध्वस्त किया था और इसमें अभियोग पंजीकृत किया था। अभियोग पंजीकृत होने के पश्चात ये लगातार फरार चल रहे थे। इन पर 25,000 का रिवार्ड घोषित किया गया था। आज प्रातःकालीन इनको करीमुद्दीन पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस संदर्भ में इनको कोर्ट में प्रस्तुत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये करीमुद्दीनपुर के पास ही से गिरफ्तारी हुई है।